हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक का DIY, जिसे मैंने एक बहुत सुंदर सा लुक दिया है। आई होप सो आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगे। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो इस क्लॉक को बनाने के लिए मैंने ये MDF का बेस लिया है, जिसे मैंने लोकल शॉप से परचेज किया था। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इस पर एक जैसो अप्लाई किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसो हमारे सरफेस को एक पेंट के लिए रेडी करता है, ये कलर्स को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट मैं यहाँ चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बेस ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट मैंने इसके सेंटर में कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए स्टेंसिल का यूज़ लिया है और साथ में टेक्सचर पेंट का यूज़ करके उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इस स्टेंसिल को मास्किंग टेप से सिक्योर कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब मैं इस पर पेस्ट अप्लाई करूँगी तो हमारी डिज़ाइन एकदम परफेक्ट रूप से बनकर आएगी। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगी। जब स्टेंसिल से आपका काम फिनिश हो जाए तो आप उसी समय इसे वॉश कर लीजिएगा। ये तो क्या होता है कि इसका पेस्ट बाद में सूखने के बाद में बहुत मुश्किल से साफ होता है। देन इसके बाद मैं यहाँ क्ले यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ सेंटर में जो डिज़ाइन बनाई उसी के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देन फिर मैं इस पे क्ले से कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ MDF के नंबर की कटिंग ली है। ये आपको ऑनलाइन मिट्सी पर आसानी से मिल जाएगी। मैंने इस पर स्प्रे पेंट से इसे गोल्डन कलर किया है, क्योंकि हम एक क्लॉक बना रहे हैं तो पहले मैंने ये नंबर को ऐसे ही सेट करके चेक कर लिया है, फिर उसे फेविकॉल से स्टिक कर दिया है। अब हमने जो क्ले से डिज़ाइन बनाई थी उस पर मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर रही हूँ एंड थोड़ा सा उसे गोल्डन टच करने के लिए उसके ऊपर मेटालिक वैक्स का यूज़ कर रही हूँ। एंड सारा काम हो जाने के बाद पे इस पर एक वॉर्निश का कोट अप्लाई करना ना भूलें। फिर मैंने यहाँ अपने घर पर पड़ी एक पुरानी वॉच की क्लॉक मशीन का यूज़ किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी क्लॉक पड़ी है तो आप भी उस क्लॉक मशीन को यूज़ कर सकते हैं और आसानी से फिक्स भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे एक और नए वीडियो के साथ।